भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, जिस खालिस्तान के नाम पर इंदिरा गांधी की जान गई है वरुण जी, उस खालिस्तान का समर्थन खुलकर, उस खालिस्तानी का समर्थन खुलकर जिस पर एनएसए लगा है, जिस पर रासुका लगी है, जो जेल में बंद है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है। देखिए सुचारिता जी, 10 साल से एक ऐसा पॉलिसी चल रही है मोदी सरकार की कि आदमी अगर 10 शब्द कहे एक सेंटेंस में तो उसके 2 शब्द उठा करके एक इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करो। जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब क्लास में, छोटी क्लास में होते थे, आते टीचर डिक्टेशन देता था, खाली स्पेलिंग वर्ड्स का ही देता था, बस वही लिखना है। फिर अगर ऐसे राइटिंग होती थी तो आप अपने व्यूज़ भी लिख सकते थे, या कोई काव्य, किसी कविता होती थी उसके अगर आप उसका अपने हिसाब से उसका वो संवाद लिखते हो, उसका अर्थ लिखते थे, तो हम लिख सकते थे माय पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे अनुसार ये ऐसे ऐसे कथन है। तो वो ऐसे राइटिंग तो अभी है नहीं, डिक्टेशन है, डिक्टेटरी सरकार है। जैसे मोदी जी चाहें या इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वैसे चाहें वैसे शब्द आई एम नॉट जोकिंग। मैं कभी करता भी नहीं जोक्स, ना कोई मजाक करता हूँ। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। उन्होंने 3 पॉइंट उठाए थे। एक, सिद्धू मूसे वाले को इनजस्टिस है उसके परिवार को, किसानों को जो बीजेपी वाले खालिस्तानी आलोंदे जीवी कहते थे उसके बारे में, और ये जो आप कह रहे हो अमृतपाल के इनडायरेक्ट, उन्होंने कहा एक सांसद जो चुना गया निर्दलीय, उसकी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो जनता है 20 लाख, वो उसका हनन हो रहा है। देखिए अमृतपाल का उदाहरण दिया गलत है। किसी भी आतंकवादी जो समर्थन आतंकवाद का करता है, खालिस्तान का करता है, हमने राजीव गांधी खोया, हमने इंदिरा गांधी खोया, हमको पता है यही तो पॉइंट है वरुण जी। तो इंटरप्रिटेशन जो है उसका गलत है। अखिल जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, यही तो कह रहा हूँ, यही पॉइंट है। इंदिरा गांधी को खोने के बाद भी खालिस्तान का समर्थन कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, मुझे हैरानी होती है। नहीं कर रही है, कांग्रेस का गलत नाम, गलत नाम क्यों? सांसद का गलत नाम नहीं, अगर गोली मार दो देश देश को, अगर बीजेपी का सांसद होता है तो क्या पूरे बीजेपी के सांसद ये कहते हैं कि गोली मार दो, गोली मार दो? मुख्यमंत्री नहीं बना सांसद, एक सांसद ने कहा तो पूरी कांग्रेस पार्टी का नाम लोगे? तो बीजेपी का एक सांसद कुछ कहता है, बिदुड़ी कहता है, या अगर उस समय का सांसद गोली मार दो देश देश को तो पूरे बीजेपी के सांसद वही बोल रहे हैं? बीजेपी का चुनाव लड़वाया कैसे व्यक्ति को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आतंकी के लिए बात कर रहा है? नहीं, राहुल गांधी की तो आप सदस्यता ले लेते हो, राहुल गांधी की सदस्यता फटाफट हटाते हो। क्यों नहीं केंद्र सरकार करती? क्यों नहीं स्पीकर साहब करते? राहुल गांधी के बीच में तो टोका टाकी करते हैं, क्यों नहीं टोका चन्नी को स्पीकर साहब ने? है कि नहीं है? हर बात में कांग्रेस या गांधी परिवार को लाना, इसमें शहीद परिवार को लाना है कि नहीं? आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस संसद में 10 साल से कांग्रेस की है, 10 साल से प्रधानमंत्री राहुल गांधी है भाई। मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, 10 साल से मोदी सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, रिफॉर्म्स मोदी सरकार की जिम्मेदारी है वरुण जी, इसीलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया, वहां पर कांग्रेस के नेता समर्थन कर रहे हैं, रासुका लगाकर असम की जेल में डाला है, रासुका लगाकर असम की जेल में डाला है, लेकिन उसका फायदा क्या है? संसद में तो संविधान की बात करने वाले आप लोग मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल सकते हो, उनके खिलाफ केस तो फटाफट चला सकते हो, अमृतपाल का कन्विक्शन नहीं कर सकते थे फटाफट? वाह वाह, मतलब वो सब प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे, सब राहुल गांधी करे, ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है? सरकार 10 साल से इनकी है, मोदी जी की जिम्मेदारी। सरकार अरुण जी से भेरूंगा तो ये इशू ये खत्म हो जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि देश तोड़ने की बात करने वाला एक व्यक्ति जो सरेआम कहता है कि हम खालिस्तान समर्थक है, हम पंजाब को अलग करेंगे, उसके लिए उसने हिंसा तक किया है, उसका समर्थन एक सांसद संविधान के तहत शपथ लेने वाला कर रहा है, और हमारे टेलीविजन चैनल पर कहा जा रहा है कि उसने 3 बातें कर दी है। इस समय तो कांग्रेस के लिए यह परीक्षा की घड़ी है कि वो देश की एकता अखंडता के प्रति उसकी निष्ठा है या नहीं है। अगर है तो जिस कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, जिस कांग्रेस के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने अपना बलिदान दिया होला कि उसके पोता अभी बीजेपी की ओर से हैं, वो इस सांसद के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने, संसद से निकालने ये मांग करती है या नहीं करती है? क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है।
अमृतपाल सिंह सुचरिता, मुझे जो समझ में आया है चरणजीत चन्नी का, राहुल गांधी की पहले नहीं नहीं आप मत बोलिए, इस समय देश में आक्रोश है या बीच में मत बोलिए, नहीं नहीं बीच में मत बोलिए, स्पीकर करें, केंद्र सरकार तो करे। अमृतपाल सिंह जब फरवरी 2022 में जिस ढंग से पंजाब आया उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जैसे उसको खुलेआम काम करने की छूट दी गई, और वो आया कैसे, दुबई से वो पहले जॉर्जिया गया जहां उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि मुझे पूरा भिंडरा वाले की तरह बनाओ, उसमें करोड़ रुपए खर्च हुए, कहां से खर्च हुई है, फिर वो आया उसने उसके पूरे नकल करते हुए उसको तैयार करके लाया गया था, और कांग्रेस की सरकार में वो लगातार एक्टिविटी करता रहा, बारिश दे पंजाब में जगह जगह बाधाएं उत्पन्न करता रहा, अजनाला का घेराव था। मैं एक बार इस पर, इस पूरे मामले पर, कर्नल शैलेंद्र सिंह आप स्टूडियो में हैं, मुझे जरा बताइए, और ये इसलिए बताइए, अखिल स्वामी जी को मेरी आवाज आ रही है, लारी जी को आवाज आ रही है, मुझे बता दीजिए, मैं एक बार, कर्नल सिंह ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसको इसीलिए मैं बहुत गंभीरता से लेती हूं, हम किसका समर्थन कर रहे हैं, हम किसका साथ दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इस तरह के व्यक्ति की जो देश के टुकड़े करने की बात करता है, कहता है खालिस्तान बनाऊंगा, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या क्या कहेगा, क्या क्या करेगा। जय हिंद सुचारिता जी, हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं जो शायद कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, वो उनका फर्ज बनता है, उनका अधिकार बनता है। आपने बात करी है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझे भी है। अगर अभी अवधेश जी बोल रहे हैं वो क्या वारिस पंजाब दे, मेरे से बड़ा वारिस कौन, ये मेरा पंजाब है, तू अकेला वारिस कैसे हो गया, तूने इतना टाइम पंजाब में नहीं गुजारा है जितना मैंने वहां सर्व कर लिया, अगर आप टोटल करवा कर देख लें आप दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात ये नहीं है, और मुझे लगता है सभी इसमें एग्री करने चाहिए कि एक वो इंसान जिसने मेरे गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट करी है उसे लेकर कार में घूमता रहा है, तेरा है ये मेरे पंजाब की इज्जत है, ये मेरे सरदार की इज्जत है, ये मेरी पलटन की इज्जत है कि मैं इस गुरु ग्रंथ साहब की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलिए फिर भी बच्चा है, लोगों ने कह दिया गलती कर दी, बहुत बढ़िया, पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर आप अटैक कर लेते हैं, वो विजुअल दिखाइए प्लीज, आप पूरी पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर अपने बंदे को ले जाते हैं। मैं कहता हूं चलिए पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा वो कहते हैं दिल दिखाया कि चलिए बाद में पकड़ लेंगे, तू भगता फिर रहा था, कितनी ईमानदारी है तेरे काम में कि तू भगता फिर रहा था, क्यों भाग रहा था, क्यों भाग रहे थे, सीना चौड़ा करके खड़ा होना था। ये तस्वीरें हैं कर्नल सिंह जिसकी आप बात कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में घुसकर लोगों को कैसे लेकर गया, वहां की आम आदमी पार्टी की सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जबकि ये खबर उन दिनों चल रही थी, ऐसा नहीं है कि एक सरप्राइज हुआ कि लोग पहुंच गए और थाने पर एक तरह से धावा बोल दिया, नहीं, बट मेरा जो कमेंट है वो इस बात पर नहीं है, मैं सिर्फ एक 10 सेकंड और दीजिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा किसी ने बड़ा अच्छा कहा अभी कि ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए, बड़ी सीधी बात है, वो इस बात पर टिके, इसमें कांग्रेस कहां से आप बीच में ले आए कि कांग्रेस ने वो बलिदान दिए हैं, आपके बलिदानों की इंसल्ट हो रही है, अगर कोई भी आदमी चाहे वो चन्नी हो चाहे कोई भी हो, क्या क्या हक बनता है उसे मेरे पंजाब के बारे में एक ऐसी बात करने का, और वो आदमी जिसने अब एक ओथ ले ली है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और उसके बावजूद वो कहता है कि नहीं मेरा खालिस्तान अलग होगा, कंट्री के बाहर होगा, उसके माँ बाप ने नहीं प्रोटेस्ट किया, उसकी माँ ने जब कुछ बोला है तो उसने डिसोन किया है कि मेरी माँ को नहीं बोलना। आरपी सिंह जी ये हमारे सहयोगी से बात कर रहे थे।